दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप में से बहुत से लोग आईफोन इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है आईफोन कहां बनकर तैयार होते हैं? आज हम आपको आईफोन की फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां आईफोन बनता है, जो कि $5 बिलियन का हेडक्वार्टर्स है। दोस्तों आप लोगों ने एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन और लैपटॉप वगैरह तो कई बार देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एप्पल कंपनी के हेडक्वार्टर के दर्शन करवाने वाले हैं, जो कि पूरे $5 बिलियन में बनकर तैयार हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी की नेटवर्थ $2 ट्रिलियन हो, उसके लिए $5 बिलियन का हेडक्वार्टर बनाना कौन सी बड़ी बात है। पर यह तो देखना बनता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। इसलिए दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपको वाकई में हैरान कर देगी। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक एप्पल कंपनी को $60 बिलियन का प्रॉफिट होगा। जी हाँ, इतना भयानक प्रॉफिट केवल एप्पल कंपनी एक साल में कमा रही है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये कंपनी इतने ज्यादा पैसे कमाती है तो इस कंपनी से जुड़ी हर एक चीज कितनी रॉयल और क्लासिक होगी। सबसे पहले तो हम आपको इस एप्पल कंपनी के हेडक्वार्टर, जिसे एप्पल पार्क के नाम से जानते हैं, उसके दर्शन करवा दें, जो नॉर्मल बिल्डिंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप चाहे इसे किसी भी एंगल से क्यों ना देखें, ये आपको हमेशा एक खास फीलिंग देगा। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे, ये टेंपल पार्क किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि एप्पल पार्क 176 एकड़ के लैंड एरिया का 80% भाग तो हरियाली से भरा हुआ है। क्योंकि एप्पल कंपनी ने अपने डिजाइनर्स को पहले ही बता दिया था कि उन्हें एप्पल पार्क में हर तरफ हरियाली देखनी है, और इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर भी गोल बनाया गया है ताकि हरियाली केवल आगे पीछे न होकर हर तरफ मौजूद रहे। यहाँ पर काम करने वाले लोगों को प्रकृति से जुड़ाव महसूस हो, इसी वजह से यहाँ पर 9000 ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो बाढ़ आने पर भी बचे रहेंगे। दोस्तों नेचर की बात तो हो गई, लेकिन अपने वर्कर्स को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की प्रोत्साहन देने के लिए इस एप्पल पार्क में 3.2 किलोमीटर के कई सारे वॉकिंग और रनिंग एरिया मौजूद है। यहाँ तक कि हजारों की संख्या में साइकिल भी खड़ी हुई है, ताकि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स पार्क के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। उसके अलावा भी दोस्तों कई और लाइफस्टाइल फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसे जिम, वेलनेस सेंटर और बास्केटबॉल कोर्ट। और तो और यहाँ पर एक काफी बड़ा 2 मंजिला योगा स्टूडियो भी है, जहाँ पर जाकर वर्कर्स आराम से योगा क्लासेस ले सकते हैं और अपनी बॉडी को और ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों एप्पल कंपनी वाकई में अपने स्टाफ और एनवायरमेंट की काफी ज्यादा चिंता करती है, इसी वजह से इस पूरी बिल्डिंग को एक रिंग शेप में बनाया गया है, जिसमें हर तरफ सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सूरज से ली जा सके। और इस पूरे पार्क में लगे सोलर पैनल 17 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं, जो कि पूरे कैंपस के 75% हिस्से तक एनर्जी पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन जहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उन जगहों में बायोफ्यूल्स या फिर नेचुरल गैसेस का प्रयोग होता है। दोस्तों मेन बिल्डिंग में नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर बिल्डिंग को ठंडा या गर्म रखने के लिए किसी ट्रेडिशनल तरीके की जरूरत नहीं है। सब कुछ इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज किया गया है कि कंपनी के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाले स्टाफ मेंबर्स को हल्की सी भी दिक्कत ना हो। दोस्तों इन सेंटर सर्कुलर बिल्डिंग, जिसे स्पेसशिप या फिर रिंग के नाम से जाना जाता है, इसमें कुछ ज्यादा ही मॉडिफिकेशन किए गए हैं ताकि 4 मंजिला इस बिल्डिंग में 12,000 वर्कर आराम से काम कर सके। हालांकि बाहर की दुनिया से जुड़ाव महसूस करने के लिए डिजाइनर्स ने साइड में काफी स्ट्रॉन्ग कांच के गिलास लगाए हैं, और इसी वजह से इस एप्पल पार्क के कंस्ट्रक्शन में दुनिया के सबसे ज्यादा कर्व्ड ग्लास लगे हैं, जिनकी संख्या करीब 800 के लगभग है, और इनकी ऊंचाई 45 फुट है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने सारे कांच का इस्तेमाल किया गया है ताकि बिल्डिंग को रिंग शेप दिया जा सके। वैसे शायद आपको ना पता हो कि कैलिफोर्निया में बना यह एप्पल पार्क इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार किया गया है कि अगर खतरनाक से खतरनाक अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी इस बिल्डिंग की नींव को हिला नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग का पूरा बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से तैयार किया गया है। और इन्हीं सब चीजों में तो इतने सारे पैसे लगे हैं। दोस्तों यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स के लिए कैफे भी बनवाया गया है, जिसमें 3,000 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं,
और उन सभी के लिए स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना बनाने की जिम्मेदारी काफी लंबी चौड़ी कैटरिंग टीम की है, जिन्हें लंच टाइम में हजारों की संख्या में लोगों को खाना बनाकर सर्व करना होता है। और कंपनी को सख्त हिदायत है कि वर्कर्स को कहीं से भी लो क्वालिटी का खाना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर काम करने वाले लोगों का पेट भरा रहेगा तभी तो अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे, और ये चीज तो हम भी मानते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, इस बड़े से एप्पल पार्क में एक इंस्पायरिंग एप्पल ऑडिटोरियम भी है, जिसे पहले स्टीव जॉब्स थिएटर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉइज को यहीं पर बिजनेस तकनीक और ग्रो करने के तरीके बताते हैं। और इस बड़े से ऑडिटोरियम में 1000 सीट मौजूद है, जिसे बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। वैसे दोस्तों, इस एप्पल पार्क में काफी बेहतरीन एलिवेटर भी लगा हुआ है, जो कि पूरा हाई क्वालिटी ग्लास से बनकर तैयार हुआ है, जिसकी फर्निशिंग तो बेहतरीन है ही, इसी वजह से इसमें चढ़ने का मजा दुगना हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे पार्क में फिटनेस सेंटर से लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट टीम का एरिया सब कुछ अलग किया गया है, ताकि किसी एक डिपार्टमेंट में चल रहे काम की इन्फॉर्मेशन उसी तक रहे और सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से पूरा हो। अब दोस्तों, एप्पल पार्क के बारे में इतना कुछ बताने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये जगह काम करने के लिए कितनी बेहतरीन है, और होगी भी क्यों नहीं, दुनिया के सबसे टॉप के ब्रांड का हेडक्वार्टर जो ठहरा। बाकी आपको ये एप्पल पार्क कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।